हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पर रेडमी कंपनी का फ़ोन है और अगर आपने यहाँ पर अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग किया है, तो अब आप लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि आपने जो कॉल रिकॉर्डिंग किया है उसको आप लोग यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग को जो है डिलीट कर पाएंगे। तो कॉल रिकॉर्डिंग को जो है डिलीट करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जो है अपने फ़ोन में रिकॉर्डर का, जो आपका फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डिंग का जो एप्लीकेशन होता है, आपको यहाँ पर जो है उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों, जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग आपने किया है वो यहाँ पर आप सभी लोगों को दिखाई देगी। बट फिलहाल मेरे फ़ोन में जो है मैंने अभी तक कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं किया है, तो इसके वजह से मेरे फ़ोन में किसी का भी कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। बट अगर आपके फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग आपने किया हुआ है तो वो यहाँ पर पूरा जो है शो करेगा, जैसा कि यहाँ पर मेरे फ़ोन में आप लोग देख सकते हैं एक रिकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको अपना कॉल रिकॉर्डिंग भी जो है यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर उसको जो है लॉन्ग प्रेस करना है और इस तरीके से आपको डिलीट कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको जो है डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो डिलीट बटन पे क्लिक करके आप लोग जो है अपना कॉल रिकॉर्डिंग को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।